जीव, सब चीजें यहाँ हैं। तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? हमें बीच में बाधा आ गई थी तो हमने एक चक्कर लगाया और हमें देर हो गई। जांच करो इसकी। तुम लोग पकड़े गए हो, कोई भी हिलने की कोशिश ना करे। हम फंस गए। पकड़ लो इन सब को। जाओ, जाओ। मिस्टर बाओ ने खत में लिखा है कि तुम यहाँ नकली पैसे का सौदा करने आए हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। देखिए वो जीव जिसे आज गिरफ्तार किया है वो सिर्फ एक परेशिति है। इसके पीछे कोई और होना चाहिए। अब हमें उससे सब कुछ बुलवाना होगा और कौन है वो पता करना होगा। तो जल्दी जाओ, इसकी जानकारी लो। और तुम दोनों गार्ड जैन की सहायता करोगे और सारे पुलिस उसका आदेश मानेंगे। जी, समझ गया। मिस्टर जैन आइए। क्या तुम्हें पता है राजधानी में जुर्म किसने किया है? अगर तुमने बताया इसके पीछे कौन है तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अगर इसके पीछे कोई आदमी नहीं है तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी।
नहीं, नहीं बताना नहीं चाहते ना? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। जब जब मेरे पास चीजें आती थी तब तब मैं वैशाल्य जाता था मिस पियानी से मिलने। पियानी हंसती तो उसके गहने हिलते। वही बताती थी कि आगे क्या करना है। मिस पियानी, हम लोगों को यहाँ आने के लिए कहा गया है। मैं जीव शाही बिल्ली पकड़ो। चलो। ज़ेन, तुम यहां संभाल लेना। ले चलो। हमने नहीं सोचा था कि हम दोनों ये मामला एक प्रतिष्ठित दक्षिण हीरो के साथ सुलझाएंगे। तुम दोनों तो युवा, बहादुर और शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। आपने हमें चौंका दिया। अगर आप नहीं आए होते तो हम लोग तो मारे ही गए होते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इसने सही कहा। ज़ेन, क्या हम आपको ज़ेन बुला सकते हैं? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो चलिए, भाइयों की तरह रहते। अभी मैं निकलता हूँ। मिस्टर ज़ेन। हाँ, वैसे इस शहर में मुझे अच्छा लोहार कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ बनवाना था। पश्चिमी गांव में एक फैंग नाम का लोहार है। ठीक है। लोहार फैंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ। पिताजी, खाने का वक्त हो गया। पहले तुम खा लो। हमारी चीजों को हाथ मत लगाओ। जायुन, बदतमीजी बंद करो, यहाँ आ जाओ। हाँ। सुनिए, वो छोटी है, उसे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। आपको जो बाण चाहिए वो छोटे और नाजुक है, तो इसको बनाने के लिए 3 दिन चाहिए होंगे। ठीक है, ये रहे कुछ पैसे, बाकी पूरा होने के बाद देता हूँ। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। पिताजी, यहाँ आओ। थक गए हो तुम। माँ बेहतर महसूस कर रही है, उन्होंने आज आधा कटोरी कौनजी खाई है। हम्म,
हमने लगभग सारा पैसा खर्च किया है, अब हम कर्जों का क्या करेंगे? हमें थोड़ा रुकना होगा, हम ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं। अगर पैसे नहीं दे पाए तो मैं जाकर कहूंगा हमें कुछ और दिन दे दीजिए। ठीक है, खाओ। गुरुजी, 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 राजधानी से कोई आया है। चाचा ने कहा है कि मंत्री अगले साल राजस्व मंत्रालय को आपकी सिफारिश करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि आपको कम मुनाफा दिखाना होगा और लोगों के प्रति दया दिखानी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों अक्सर एक दावत देता है और उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाता है। सभी लोग उसके पास जा रहे हैं। सिर्फ मिस्टर वू इनके जाल में नहीं पड़ते, यहां तक कि परफेक्ट भी उसके सामने झुकता है। क्या बकवास कर रहे हो? सुनो, क्या बात हो रही है? हाँ मिस्टर जैन, ये क्यों के यहां से न्योता आया है? आपको और मिस्टर वू को कल रात को दावत के लिए बुलाया है। मुझे? और बताओ कि की कौन है? क्यूयोंग दरअसल मंत्री मिस्टर जिया का भतीजा है। उसके चाचा की ताकत की वजह से उसे कोई नहीं ललचाता। 2 महीने पहले जब मिस्टर वू दफ्तर में आए थे तो उनका अच्छा स्वागत हुआ था। मिस्टर वू को अपने जैसे लोगों को मिलना पसंद नहीं, पर उन्हें जाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट की वजह से। वो सच में भव्य था। ये कह रहा है कि आपको उसका सम्मान करना होगा। मैं यहां पर कोई अधिकारी नहीं हूं, किसी और को बताना। पिताजी पानी पी लो। हाँ। और मुझे? तुम्हारी मम्मी को दो। माँ आप भी पी लो। लोहार फेंग। अरे मैनेजर जैंग, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें बहुत दिन दिए हैं, पैसे वापस करो। हाँ हाँ मैनेजर जैंग, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपके घर पर लेकर आऊंगा। मैं विनती करती हूँ। जी। आप क्या कर रहे हैं? मेरी संपत्ति बर्बाद मत कीजिए। मैं भीख मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, छोड़ दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आप ऐसा मत करिए, रुक जाइए। अरे रुकिए, मैं भीख मांगता हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं भीख मांगता हूँ, मत कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं भीख मांगती हूँ, दुकान मत तोड़िए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। ऐसा मत कीजिए, रुकिए। मैं भीख मांगता हूँ, जाने दीजिए, आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो बीवी को देकर कर्जा उतारो। नहीं 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 मिस्टर जैंग, मिस्टर जैंग, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी छोटी है, उसको माँ की जरूरत है। मेरी दुकान ले लीजिए आप, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। तुम्हारी दुकान की कितनी कीमत है? मुझे तुम्हारी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर वो सुंदर ना होती, मेरा एहसान समझो, उसे ले चलो। मिस्टर जैंग ऐसा नहीं कर सकते आप, दया कीजिए हम पर। रुक जाओ वरना तुम्हारी बच्ची को भी ले जाएंगे। चलो। सायोन। मत रो, मत रो। मैं तुमसे कह रहा था ना, अरे मिस्टर क्यों आ गए? संभल कर, हट जाओ। चल। हटो, उन्हें जाने दो। सवारी आ रही है। मिस्टर क्यों आ गए? क्वीन। हाँ, गुरुजी। हमारे कारोबार में पैसों की कमी क्यों हो रही है? हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन कारोबार वैसा ही है। कर्ज न चुकाने वालों पर कार्यवाही की गई है। फिर कड़ी नजर रखो, गलत नहीं होना चाहिए। जी। वैसे
आज के दावत की तैयारी हो चुकी है? जी, हमने न्योते भेज दिए हैं, लेकिन महाराज वू ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो बीमार हैं और ज़ेनज़ाओ किसी मामले में व्यस्त हैं। वो मामूली से अधिकारी मुझे मना करेंगे? आपने की का निमंत्रण ठुकराया? क्यों, बहुत बड़ा बदमाश है। वो बेवजह लोगों से पैसे वसूलता है और मुझे रिश्वत देना चाहता है। अन्यांग में स्थानीय सत्ता अधिकारियों के साथ जुड़ी हुई है। अगर अधिकारी और व्यापारी मिले हैं तो लोगों का शोषण होगा। इसकी जांच होना बाकी है। बाओ ने मुझे खास तौर पर पूछा है कि मैं अन्यांग में ज्यादा देर रुकूं। अगर कोई मदद चाहिए तो बेशक मुझे आकर कह दे, मैं अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करूंगा। बाओ को मेरा शुक्रिया कहना और आपका भी शुक्रिया मदद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ सोच रहे हैं? हाल ही में काफी महिलाएं गायब हो गई हैं, पर कोई सुराग नहीं मिला। कोई कागजात है क्या, मैं देख सकता हूं? हाँ, दिखाता हूं। अरे चलो पियो भी। इनकी दावत हमेशा ही अच्छी होती है। मिस्टर क्यू, महाराज और दक्षिण का वो हीरो दावत में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें ये पसंद नहीं है, वो मिस्टर क्यू की इज्जत नहीं कर रहे। अच्छा होता अगर वो आते ही नहीं। चलिए पीते हैं। हाँ चलो चलो, पियो और मजे करो। मैंने सुना है तुम्हारे सारे अंग रक्षक मार्शल आर्ट्स में माहिर है, उन्हें कुछ दिखाने को तो कहो। हमें उन्हें लड़ते देखना है। तुम सभी को देखना है। करो करो, हम सबको देखना है। यहाँ आओ यहाँ आओ। तुम दोनों इनको कुछ करके दिखाओ, शुरू हो जाओ। क्या बात है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो मुझे बताने दो, तुम्हारे अविश्वसनीय मार्शल आर्ट्स के बावजूद तुम अन्यांग में रहोगे या नहीं, ये सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। जरा सुनो बच्ची, पापा कहाँ हैं? देखो डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। चलो मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम जायून है और मेरी माँ को वो लेकर गए और पापा गायब हो गए। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को कौन लेकर गया और तुम्हारे पापा कहाँ गए? मुझे नहीं पता, पिताजी ने कहा कि वो माँ को ढूंढने जा रहे तो मैं घर पे रुकूं। क्या तुम्हारे कोई और रिश्तेदार भी है? दादी घर पर है। उस रात उसके पिता उसकी माँ के लिए दुकान गए थे। तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? मिस्टर ज़ेंग, मिस्टर ज़ेंग, मेरी बात सुनिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मेरी दुकान बेच दूंगा, मेरा घर, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। पैसा नहीं है तो दफा हो जाओ। मैनेजर ज़ेंग, आप सुनिए मेरी बात, मेरी एक बेटी है, आप मेरी पत्नी को नहीं रख सकते। पैसे दे दो नहीं तो बीवी को भूल जाओ, ये आदेश मिस्टर क्यू ने दिया है। अगर चाहो तो उनको जाकर मिल लो। मुझ पर एहसान करो, मुझे मिस्टर क्यू को मिलने दो, मैं आपसे भीख मांगता हूं, भीख मांगता हूं। ये सब क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर क्यू से मिलना है। हाँ?
इसको मुझसे मिलना है। मिस्टर क्यू, मैंने दिल्ली पॉन शॉप से कुछ पैसे लिए थे, मैं वो वापस नहीं कर पाया और मैनेजर जैंग मेरी बीवी को ले गए। उन्होंने मुझे आपसे मिलने कहा है। मिस्टर क्यू, मेरी पत्नी को वापस लाने में मेरी मदद कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे किसने कहा शासन करने के लिए? क्यों मारा उसे? जाओ जाकर उससे माफी मांगो भी। सही किया इन्होंने। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। माफ कर दीजिए मिस्टर क्यू, मुझे ये नहीं करना था। मुझे बस मेरी बीवी वापस चाहिए। ऐसा करते हैं, हम अंदर चल के बात करें। ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ। उसके बाद पापा घर नहीं आए। ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं बीमार ना होती तो उन्होंने पैसे नहीं लिए होते। वो पैसे नहीं लेते। सुनिए, चिंता मत कीजिए, मैं अभी मेरे आदमी भेजता हूँ। हाँ ठीक है। एक औरत को ऐसे अगवा करना शर्म की बात है। इस सब के पीछे क्यों का हाथ है? लोहार फेंग पहले दिल्ली के दुकान पर गया था, उसके बाद वो घर गया और उसने कहा था कि वो दूसरे दिन की के पास जाने वाला है, और ये सब होने के बाद वो खुद गायब हो गया। उनके साथ कुछ गलत हुआ हो तो? चलो अब क्यों के घर चलते हैं। अगर इस पूरे मामले में की शामिल है और अगर हम वहां गए तो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो फिर हम क्या करें? सुनो, इन दोनों को अभी इसी वक्त घर ले जाओ और अपने आदमियों को कह दो कि उन लोगों को ढूंढे जिन्होंने लोहार फेंग को देखा है, ज्यादातर की के आसपास। जी मोहतरमा। हाँ? मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। दादी माँ, घर चलते हैं। मदद के लिए शुक्रिया। मेरे बेटे को ढूंढना। सुनो, मेरे साथ दिल्ली के दुकान पर चलो। मैनेजर जैन। अरे मेरी दुकान में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने इसे कहीं देखा है? ये तो लुहार फेंग है। बढ़िया, तुमने इसे हाल ही में देखा है? जी हाँ, उसने यहाँ से पैसे लिए हैं। कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा उसके बारे में। पिछली बार मैं उससे पैसे मांगने गया था और उसके बाद उसे नहीं देखा। और उसकी बीवी का क्या? लोगों ने तुम्हें उसकी बीवी को अगवा करते देखा है और वो भी उसकी दुकान से। मैंने उसकी बीवी को अगवा किया था लेकिन बाद में लोहार फेंग उसे वापस ले गया था। अच्छा जैंग, तुम्हें पता है ना लोगों को धमकाना और औरतों को अगवा करना एक घिनौना जुर्म है। देखिए आप ऐसे ही मुझ पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर उसके पास तुम्हारा पैसा था तो उसकी बीवी को वापस ले जाने क्यों दिया? मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। कर्जा लेने का हमेशा एक तरीका होता है, नहीं तो लोग पैसे नहीं देते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो वो पैसे कब देने वाला था और तुम उससे आखिरी बार कब मिले? कल शाम से पहले। तो उसकी बीवी? अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनो सिंह, अगर लोहार फेंग के बारे में कोई भी खबर मिले तो हमें बता देना। जी मैं करूंगा। अलविदा। मिस्टर जैन, मैनेजर जांग ने जो कहा क्या वो सही है? हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। सही कह रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो आदमी तैयारी करके जवाब दे रहा था? अच्छा सुनो, कुछ लोगों को इसकी दुकान पर दिन रात तैनात रखो ताकि हमें पता चले वो क्या करता है। क्यों का क्या? उसके लिए हम जल्दबाजी नहीं कर सकते।
आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने मुझसे सिर्फ कुछ ही सवाल पूछे हैं। आपने जैसा कहा था वैसा ही जवाब दिया, कोई शक नहीं हुआ। अब वापस जाओ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको, इनाम के लिए यहाँ वापस मत आना और ध्यान रखना। हाँ ठीक है। तुमने उस मामले को सुलझाया? आप चिंता मत कीजिए गुरुजी। क्या अब भी दर्द होता है? ये दर्द नहीं करता सच में। राजा की वो लहरी है, उन्होंने कभी तुम्हें आदमी की तरह नहीं देखा। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊंगा, अभी हमें संभल कर रहना है। ये काम करने में लोग ज्यादातर नाकाम हो जाते हैं। क्या ये काम हो गया? जैसा आपने कहा था वैसा हमने कर दिया, बहुत ही अच्छे और सफाई से। इन दिनों गुरुजी बहुत गुस्से में हैं। कोई भी गलती करने की सोचना भी मत। जी। की के घर पर क्या कर रहे थे? दिन में जांग जिन के घर गया था जब हम उस दुकान से बाहर निकले थे। हो सकता है क्यों ने किया हो, अगर हमने मामला जल्दी नहीं सुलझाया तो उस लोहार को नहीं बचा पाएंगे। माफ कीजिए, मेरा चेहरा दिख गया था जब मैं वहां गया था। उसके सभी अंगरक्षक बहुत चालाक हैं। ऐसा लगता है उसे मार्शल आर्ट आता है, दरअसल हमने उन्हें इत्तला कर दिया। अब डर है कि हम कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। छुप कर नहीं कर पाए तो हम लोग इसकी जांच करेंगे। जल्दबाजी मत करो, हमें थोड़ा और सोचना होगा इस बारे में। जी। वो गार्ड डोंग से आसानी से भाग निकला। कौन है जो मारपीट में सबसे अच्छा है और हमसे बदला लेना चाहता है? गार्ड डोंग, तुमने देखा ना उसने किस प्रकार का मार्शल आर्ट्स किया था? उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई है और बहुत सारी नई चीजें की है, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। कहीं उस लोहार के बारे में तो नहीं है? जाओ और जाकर देखो, और कोई मुसीबत नहीं चाहिए। जी चलो। ये काम करने में लोग ज्यादातर नाकाम हो जाते हैं। क्या ये काम हो गया?
जैसा आपने कहा था वैसा हमने कर दिया, बहुत ही अच्छे और सफाई से। थोड़े होशियार बनो, पूरी ताकत लगाकर मत लड़ो, समझ गए? अब क्या हुआ, लड़ना नहीं है? आओ आओ। खड़े हो जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुजी, गुरुजी। क्या है जी? मंत्री ने किसी को यहां भेजा है। क्या इस आदमी को देखा है? आपसे कुछ पूछूं? नहीं, मैंने नहीं देखा। शुक्रिया। मैं नहीं जानती। मिस्टर होंग, हमें कुछ नहीं मिला। वहां देखते हैं। ये उस लोहार के बारे में होना चाहिए। उसकी एक 6 साल की बेटी है, उसकी माँ अंधी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस उन्हें सब जगह ढूंढ रही है, तो मुझे लगता है कल रात के आदमी यामिन पुलिस के होने चाहिए। मार्शल आर्ट में माहिर जानजाओ होना चाहिए। वो तो सिर्फ कुछ पुलिस वाले हैं, वो मुझे क्या करेंगे? पर याद रखना, मेंगोई ब्रोथल को लेकर कोई भी नया मामला मत निकालना। जी। दूसरी बड़ी मछली। मरा हुआ आदमी, मरा हुआ आदमी। मिस्टर लेन, आइए कि अरे इसे अपना ही घर समझिए, आइए बैठते हैं। जी 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 जी, आइए। बाहर जाओ। जी। बैठिए बैठिए। क्या चाचा ने कुछ नई सूचनाएं दी हैं? जिया चाहते हैं कि तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो और जरा सतर्क रहो, है? तो लोगों को तुम पर शक नहीं होगा। और उसने ये भी कहा कि तुम्हें लोगों से जाकर बात करनी होगी। अगर तुम लोगों में घुल मिलकर अधिकारियों के दोस्त भी बन गए ना, हाँ, तो ये बहुत बेहतर होगा। चाचा सही है, मैं उनकी बात ध्यान रखूंगा।
धन्यवाद। तुम एक चालाक इंसान हो हैं। लीजिए। हाँ। लोहर फेंग की लाश बहुत देर तक पानी में थी, लेकिन उसके जख्मों को देखकर ऐसा लगता है कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। वो पानी में सिर्फ हादसे से नहीं गिरा है। इस आदमी की मौत संदिग्ध है, सच पता लगाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, उसे आखिरी बार लोगों ने देखा है वो की के दरवाजे पर। उसके घर के अंदर जाने के बाद किसी ने उसे देखा ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो की के घर पर मारा गया। इसका मतलब सुरागों से पता चला है कि ही सभी मुसीबतों की जड़ है, पर बिना सबूत के हम उसका घर जांच नहीं सकते। मैं कल रात वहां पर गया था, मैंने बटलर किन और सेनापति की बातें सुन ली, काफी संदिग्ध थी। ऐसा लग रहा था वो कुछ छिपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बातें लोहर फेंग की लाश के बारे में थी। की के घर में काफी सेनानी है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। की योंग के पास एक सैनिक है जो बहुत ही अजीब है, और जहां तक मैं जानता हूं उसका नाम डोंग फे है, और वो डोंग परिवार का है, शेंग डोंग से। डोंग परिवार तो काफी जाना माना है ने अद्भुत मार्शल आर्ट्स के लिए, लेकिन वो भला कियोंग के पास क्या कर रहे हैं? इसके पीछे कोई राज हो सकता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? कियोंग मार्शल आर्टिस्ट को रिश्वत देता है, उसे अपनी शक्ति का विस्तार करना है और अन्यांग पर कब्जा करना है। मुझे लगता है फेंग की लाश पानी में मिली है, इसका मतलब है हत्यारे ने लाश के साथ खिलवाड़ की है, और नाकामयाब रहने के बाद उसने वो पानी में फेंक दी। मेरी हरकतों से मैं उसे इत्तला नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो इत्तला हो चुका है। मुझे अब किसी भी हालत में की के घर जाना ही होगा खूनी को ढूंढने के लिए। गुरुजी, लोहार फेंग की लाश मिल गई है। मूर्खों, तुम सब केवल चीजों को बिगाड़ सकते हो, एक लाश नहीं छिपा सके। मूर्ख, निकलो यहां से। गुरुजी, यामिन की पुलिस आपसे मिलना चाहते हैं। ये लोग बहुत जल्दी आ गए, उन्हें रुकने के लिए कहो, कहो हम आ रहे हैं। जी। उस दिन बहुत सारे लोगों ने लोहार फेंग को यहाँ देखा था, अब पुलिस आई है उसके बारे में पूछने के लिए, ये उनका रोज का काम होगा। ये सब ठीक है, लेकिन उन्हें हल्के में लेना ठीक नहीं होगा, उनसे संभल कर पेश आना होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें ये जगह क्या लगती है? मिस्टर क्यू, कौन सा महत्वपूर्ण मामला तुम लोगों को यहां ले आया? मैं यामिन पुलिस का प्रमुख होंग हूं, और ये हैं मिस्टर जैन। मिस्टर जैन, एक हत्या की जांच चल रही है जिसमें हमें मिस्टर क्यू की सहायता चाहिए। तो तुम हो दक्षिण के हीरो मिस्टर जैन? तुम्हीं ने मेरे नियुक्ति को इनकार किया था और आज मुझसे ही मिलने चले आए? हाँ, दरअसल मुझे बहुत काम था, इसीलिए मैं आ नहीं पाया, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है मिस्टर जैन, बैठ जाओ यहाँ पर। शुक्रिया। बैठ जाइए। तो ऐसा क्या है जिसमें मैं आपकी किसी को पकड़ने में मदद कर सकता हूँ? कुछ दिन पहले लोहार फेंग आपसे मिलने आपके दरवाजे पर आया था, वो कुछ पूछ रहा था आपसे, बाद में उसे अंदर भी बुलाया गया था। तुम्हारा मतलब वो लोहार जिसने अपना कर्जा नहीं चुकाया था और मुझसे भीख मांग रहा था? हाँ, ये कुछ दिन पहले ही तो हुआ था। तो वो आपके घर से कब निकला? और वो जैंग ने उसकी बीवी को अगवा कर लिया है, तो इस वक्त उसकी बीवी कहाँ पर है, क्या बता सकते हैं कहाँ है वो? उस दिन जब लोहार फेंग ने बताया कि उसे क्या चाहिए, तो मेरे गुरु जी ने उसे एक महीने का वक्त दिया और कहा कि वो मैनेजर जैंग से अपनी पत्नी को लेकर जा सकता है, और वो यहां से निकल गया। इतनी आसानी से? इतनी आसानी से, इसमें मुश्किल क्या हो सकती है? लोहार फेंग की लाश शहर के बाहर तालाब में मिली है, यहां आने के बाद वो कैसे मारा गया? कांस्टेबल होंग, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जब लोहार फेंग हमारे यहाँ से निकला था तो वो बिल्कुल ठीक था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक उसकी मौत से मेरा कुछ लेना देना है? हाँ,
हम अभी भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही हमको उसके बारे में कुछ पता चलता है तब हम तकलीफ देना छोड़ देंगे। जा सकते हो। अलविदा। वो बहुत ज्यादा तेज है। उनके शक को यकीन में बदलने से पहले हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि लोहार की मौत डूबने से हुई है और हमने उसकी पत्नी को उसे ले जाने दिया था। इसके बाद वो लोग जांच बंद कर देंगे और मामला छोड़ देंगे। ज़ंजाओ सबके सामने भले ही कुछ ना करे पर वो हम पर नजर जरूर रखेगा। उन लोगों को जल्दी से निपटा दो तो फिर और मुसीबत नहीं होगी। जी गुरु जी। जरा देखो इधर, बुरा नहीं है, ये भी ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बुरे नहीं है। क्वीन ने कहा उन्हें जल्दी दूर भेजना चाहिए, हालात बिगड़ सकते हैं, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे ऊंचे दर्जे की कोई है? कोई जल्दी नहीं है, मेरे पीछे आओ। ये वाकई खूबसूरत है, एकदम ऊंचे दर्जे की। फिर भी वो मिंगये में नहीं रह सकती। ये वहाँ जाकर बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएगी। उसे यहाँ से बहुत दूर भेजना होगा, अगर वो यहाँ रही तो हम मुसीबत में आएंगे। जो बाहर है उन्हें मैं पहले लेकर जाऊंगी। इसे भेजने से पहले कुछ दिन और इंतजार करेंगे। चलो अब। मुझे पता नहीं चला बाजू वाले कमरे में क्या है, पर मैंने मिंगे की औरतों को वहां से छिपकर आते हुए देखा। मिंग्यू ब्रोथल भी इसमें शामिल है। क्यों ही उस ब्रोथल को संभालता है? अगर उनका काम सही है तो वो छुपाते क्यों हैं? ये सही कहा, की के खिलाफ तो काफी बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जरा पता लगाओ उस तरफ क्या चल रहा है, और सुनो तुम जाकर वैश्याले पर नजर रखो। मैं अभी जाता हूं। वैसे हमें अभी भी ये नहीं पता कि रोनियांग कहाँ है, और ये भी नहीं पता कि वो मर गई है या नहीं। हमें जो सबूत चाहिए वो झैंग जिन के पास मिल सकता है, हमें उसका मुंह उगलवाना ही होगा। हिलो मत। हम पुलिस है। हिलो मत। झैंग जिन बाहर आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? हमें आदेश मिला है कि आपको गिरफ्तार किया जाए, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैंने गुनाह क्या किया है, कोई सबूत है? ज्यादा मत बोलो, मिस्टर वू पूछताछ करेंगे, तुम्हें यमीन में समझ आएगा। ले जाओ इसे। मुझे जाने दो। क्या कहा? तो अब क्या चल रहा है? जैंगजिन को ले गए हैं, लेकिन उसे हिरासत में नहीं लिया गया है। उनको बहुत वक्त नहीं लगेगा उसकी पूछताछ करने में, क्या वो सब बोल देगा? हमें उसकी पूछताछ करनी ही होगी। की को लगता है कि वो चालाक है, हमें उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना होगा। हम जैंगजिन को कुछ नहीं पूछेंगे, और इस वजह से की और जैंग के बीच में लड़ाई हो सकती है, ये फायदेमंद होगा। वो उसे यातना ही देंगे। वो दाओ और ज़ंजाओ को सच में मेरे बारे में कुछ नहीं पता। सुनो, परफेक्ट को ढूंढने के लिए किसी को भेजो। जी।
ज़ेनज़ाओ। डोंगफी, हाँ, ज़ेनज़ाओ और तुम्हारे मार्शल आर्ट्स में कितना फर्क है? बिल्कुल एक जैसा है। बढ़िया, कुछ आदमियों को लेकर उसे मार दो। ये अच्छी चाल थी। मैनेजर ज़ांग, यहाँ वहाँ घूमना बंद करो। सुनो, यहाँ आकर मेरी मदद करो। देखो, मैं 4 घंटे से रुका हूँ, तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? अगर तुम रुकना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो। क्या तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। सुनो, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। जी, चले। चलिए साहब। यहां से मैनेजर ज़ांग मिलते हैं। मैनेजर वू तुम्हारी खबर के लिए रुके हैं। जाइए। तुमने सच में कुछ नहीं बताया? मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने तुमसे कुछ पूछा नहीं और ऐसे ही छोड़ दिया? ये सच है मिस्टर क्यू, मैं सच कह रहा हूं। तो फिर मुझे बताओ, अगर तुमने कुछ कहा ही नहीं तो तुम 4 घंटा वहां पर क्यों रुके? मुझे सच में कुछ नहीं पता गुरुजी। शायद उन्हें सबूत नहीं मिले हैं, वो सिर्फ खेल रहे थे। चलो जाओ, कुछ दिनों के लिए कहीं पर छुप जाओ, कोई जान ना पाए। जी 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 जी, मैं समझ गया। गुरुजी, अगर इसने बता दिया होता तो वो लोग इसे जाने नहीं देते और यमीन के लोगों ने इसे बहुत मारा होता। इसने ये नहीं बताया कि ये वहां इतनी देर क्यों रुका था, और उन्होंने कहा था मिस्टर वू तुम्हारी खबर के लिए रुकेंगे। हम इस आदमी को रख नहीं सकते, उसने बोला हो या ना। नहीं गुरुजी, अगर इसे मार दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। ज़ांजाओ और बाकी सब कोशिश कर रहे हैं हमारे हत्यारे होने का सबूत खोजने की। अगर उसे बंदी बनाया तो उनकी मदद हो जाएगी। तुमने जैसा कहा वैसा करेंगे। क्या लोहार का केस सुलझा? हाँ, मंत्री साहब ने कहा है कि जब तक उसकी माँ लाश को वापस नहीं ले जाती तब तक केस बंद ही रहेगा। मिस फेंग, मिस्टर क्वीन आए हैं। आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मातरमा, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ और उसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो गुजर गया, वो वापस नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी कुछ महीने पहले ही उनके साथ पीने बैठा था, ये सब अचानक कैसे हो गया? मेरी गलती है,
मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे इलाज के लिए उसने कुछ पैसे लिए थे और वो उन्हें चुका नहीं पाया, इसलिए उन्होंने उसकी पत्नी को उठा लिया और मेरा बेटा उनके पीछे चला गया और उसके बाद ने उसे मार कर नदी में फेंक दिया। उसकी लाश वहाँ बाहर पड़ी है। मोहतरमा, मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते, मुझे इसकी मौत का दुख है। जी हाँ मोहतरमा, ये 200 चांदी के सिक्के हैं, इन्हें आप रख लीजिए, इनसे आपकी काफी मदद होगी। वहां रख दो। मोहतरमा, आप यमिन जाकर फेंग की लाश क्यों नहीं ला पा रही हैं, बता सकती हैं? उन्होंने कहा कि मौत का कारण पता चले बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ओह, मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते, उन्हें फेंग की आत्मा को शांति देनी चाहिए, क्या कहती हैं आप? आपको ऐसा नहीं लगता? मेरे ख्याल से आपको उसे जाकर ले आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रखो। अरे रे प्यारी बेटी, सुनो, अपनी दादी की बात सुना करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। ये लो ये लो ये लो बेटा, ये अच्छा है। वो आखिर क्या हुआ है? ये देखो, परफेक्ट ने ये भेजा है और आदेश दिया है कि ये केस नहीं सुलझ रहा तो इसे बंद कर दो और वो फाइल यमन को वापस कर दो। ये अपमानास्पद है कि योंग चिंता में होंगे, इसीलिए तो वो रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसने फेंग की माँ और बेटी को लाश वापस लाने को कहा और हम पर जियांगजू के प्रिफेक्ट के द्वारा दबाव डाला। अब मैं और भी निश्चित हूँ कि लोहार की मौत के पीछे की ही है, बस हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे वो पकड़ा जा सके। अब हमारे पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, जब तक हम लोगों को सबूत नहीं मिलते तब तक रुकना होगा। पर हम ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। इंसाफ तो जरूर होगा, आशा करता हूँ कि जल्दी सबूत मिल जाए। मिस्टर वू, मुझे पता चल गया कि क्वी के बाजू वाले कमरे में 10 से ज्यादा औरतें हैं, लगता है उन्हें खरीदा या अगवा किया गया है, जांग जिन के कब्जे में है। वू, जैंग ने जो दुकान खोली है वहां पर सूदखोरी का काम जोरों शोरों से चलता है, अगर पैसे नहीं दिए तो औरत को उठा ले जाएंगे और उन्हें वैश्याले में ले जाकर बेच कर आएंगे। रोनयांग भी उसमें से एक है। लोहार फेंग उसकी बीवी को वापस लेने की के घर गया था, उसने की को उकसाया होगा और इसीलिए वो बुरी तरह मारा गया। की बहुत अधर्मी है, लगता है उसी की वजह से ही लोग गायब हो रहे हैं। मैं इस केस के अंत तक जाऊंगा, भले ही मुझे काम से क्यों निकाल दें। हमने पता लगा लिया है कि की के घर पर क्या चलता है, हम लोग उन्हें पकड़ कर उन वैशाले की मासूम औरतों को हम जरूर बचा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब तक हमें खबर आ जानी चाहिए। लेकिन कैसे? हम उसके कमरे की छानबीन करेंगे और की को यकीन दिलाएंगे कि जैंग ने उसे बुरी तरह फंसाया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनो तुम दोनों, की के बाजू वाले कमरे में जाओ। चलो। हम आपको छुड़वाने आए हैं, खोलो इन्हें। जी, ये पकड़ो। क्या तुम जख्मी हो? मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। वो ताओ और जिनजाओ बहुत ही लापरवाह है,
परफेक्ट के आदेश को उन्होंने ठुकरा दिया। वो तो काफी कमजोर लगता है, पर दरअसल वो धर्मी महाराज है। क्वीन, क्या तुम अभी उन यमन के लोगों की प्रशंसा करने वाले हो? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे पता चला है कि ये अनपेक्षित है। पहले कुछ ही लोगों को इस कमरे के बारे में पता था, अब सबको पता हो गया क्योंकि जेंग सिंह ने उन्हें बताया। अगर ये बात सच है तो उसने बाकी चीजें क्यों नहीं बताई? नहीं, जेंग जिन को रखना अभी भी जोखिम होगा। वो जिंदा नहीं रह सकता। उसने सच बताया हो या ना, मार तो उसे। जी। इसके अलावा वो कमरा मिल चुका है, अब मिंग्यू ब्रोथल को कुछ मत होने देना। जी, मैं सब संभाल लूंगा। मिस्टर क्वीन, अब आ ही गए। बाहर मामला बहुत गर्म है। उस दिन ज़ैनज़ाओ हमारे बीच में आ रहा था, उसने मुझे यामिन में रखा था ताकि मिस्टर क्यू को मुझ पे शक आ जाए। मिस्टर क्वीन, मुझे और एक मौका दो और मुझे उस दक्षिण के हीरो को निपटाने का मौका दो, उसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम ये कर लोगे? डोंग फे भी ये नहीं कर सका, तुम्हारे आदमी उसके साथ क्या कर सकते हैं? चिंता ना करें मिस्टर क्वीन, मैं सब सफाई से करूंगा और मिस्टर क्वी को नहीं फंसाऊंगा। फिर मिस्टर क्वी मुझ पर शक करना छोड़ देंगे। तुम क्या करना चाहते हो ये तुम्हारा मसला है, मुझे मतलब नहीं, और ना ही मिस्टर क्यू को। हाँ, जी जी, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए। शुक्रिया मिस्टर क्वीन। ये लो, इसे पी लो, हिम्मत मिलेगी। ज़ैनज़ाओ को मारने में तुम्हें सफलता मिले मैं कामना करता हूं। धन्यवाद मिस्टर क्वीन। मिस्टर क्वीन, तुम मुझे ऐसे देखने के लिए बेसब्र हो रहे थे। तुमने मुझे वाकई चौंका दिया। क्या मजाक था ये? तुम्हें वो छिपाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर क्वीन मुझे चुप करवाना चाहते हैं, और सिर्फ एक मुर्दा इंसान चुप चुप रह सकता है। मिस्टर क्वीन, तुम में हिम्मत है इसे पीने की? मैंने जिंदगी में मेहनत की, मैंने उसे धोखा देने का सोचा भी नहीं था, और वो मुझे मारना चाहता था। हे!
मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमेशा की के साथ रहोगे, तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तरक्की कैसे कर लोगे तुम? परेशान मत होइए, ये समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। जिया काफी गुस्से में है। उसने मुझे ये कह दिया था कि तुम्हें सारे सरकारी कामकाज सिखा दूं मैं, तो फिर मुझे बताओ तुम इन अनाड़ियों के साथ कर क्या रहे हो आखिर? अगर तुम्हारा भविष्य बर्बाद हुआ ना तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम तो अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो शाही बिल्ली के साथ? जान जाओ, एक बात याद रखना, उसके साथ बाव है। मिस्टर लिन, गुरुजी आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। जिया ने एक चिट्ठी लिखने की कोशिश की है ज़ियांगज़ू के प्रीफेक्ट को। तुम बस यहां खड़े रहकर लोगों का मुंह देखते रहो, समझ गए? उसने कहा यह तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो वो तुम्हें काम से निकाल देगा। परफेक्ट आ गए हैं। आपका स्वागत है महाराज। साहब आपका स्वागत है। तुम ज़ंजाओ हो? जी हाँ, मैं हूँ हेड कांस्टेबल होंग। आपका स्वागत है। मेरा सवाल केवल तुमसे है, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये सिर्फ एक आदमी है जो डूब गया है और मर गया है, हा? और किसी को लग रहा है कि उसके परिवार को पैसे देकर संभाला जाए? बताओ, ये तुम्हें अच्छी बात लगती है? उन लोगों को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। महाराज, ये केस वैसा नहीं है। लोहार को बहुत ही बुरी तरह से मार के नदी में फेंक दिया गया है, तो क्या हो गया? ये मैं भी नहीं संभाल सकता, तुम संभाल सकते हो। लेकिन साहब, सारे बड़े अधिकारियों के पास कोई भी मामला सुलझाने के लिए ताकत तो होनी ही चाहिए ना। अगर हम बड़े लोगों से डर कर लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे? गार्ड जैन, मुझे पता है तुम मिस्टर बाओ के दाहिने हाथ हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम यहां पर नए हो। इसके अलावा यह अन्यांग का केस है, तो गार्ड जैन तुम इससे दूर ही रहो। महाराज, मैं जल्द से जल्द इस केस को सौंपना चाहूंगा। मिस्टर वू, अगर तुम्हें यहां अधिकारी बनना है तो मुझे फिर से ऐसी अनावश्यक परेशानी मत देना, समझे? अगली बार ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक ही बार फाइल बना दो और मुझे जल्द से जल्द भेज दो, और मरे हुए आदमी के परिवार को बोलो से ले जाएं। महाराज, हम असली अपराधी को पकड़ने के बहुत करीब हैं। मैंने फाइल बना ली है और उसकी कॉपी भी। लाश उनके पास रहने दो, ज़ियांग जैन हमारे हाथ में है, हम उससे सबूत निकलवा सकते हैं। हमें एक काम करना होगा, हमें उससे सब कुछ उगलवाना होगा। तुमने ये सब करने में उनकी मदद की है ना, तुम्हें तो सबक सिखाना होगा। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुम पर मुकदमा चलाऊंगा। क्या बोला? लोहार फेंग की मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता। अगवा करके वैशाली में बेचने की किसकी तरकीब थी? मुझे नहीं पता। क्यों योंग तुम्हें मारने वाला था? अगर हम वहां नहीं पहुंचते तो अब तक तुम नर्क में होते। की के बारे में तुम्हें काफी जानकारी है, तुम्हें हमें उसकी कमजोरियां बतानी होंगी। अब तुम हमारे हवाले हो, वो तुम्हें मारने के लिए बेचैन हो रहा होगा। अब तुम खुद को तभी बचा सकते हो जब तुम हमें सच बताओगे। जाओ, मेरे लिए इंतजाम कर दो, कल के बाद मैं एक शानदार दावत दूंगा। गुरुजी, हमें अभी रुक जाना चाहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्यों,
क्या तुम्हें भी मेरे खिलाफ जाना है? नहीं गुरुजी। ध्यान से, केस बंद हो गया है अब। मुझे तो बस अब ये देखना है कि वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं। जी, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। कितना आराम है। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। ये एक हथियार है, मुझे बचाओ। हिलना मत। मुझे तुम्हारे प्रमुख से मिलना है। ज़ेनज़ाओ को आने बोलो। ज़ेनज़ाओ को आने बोलो। मुझे तुम्हारे प्रमुख से मिलना है। मिस्टर जेन, महाराज वू कैसा रहा? ज़ेंग जिन को कोई शक नहीं हुआ। बढ़िया, शुक्रिया। जाओ यहां से। मैंने तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के बारे में सुना था, पर अब मैंने देख भी लिया। ज़ेंग जिन को बुलवाने की ये बहुत ही अच्छी तरकीब है। आप बेवजह तारीफ कर रहे हैं, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। ये तो मामूली सी बात है, ये मैंने बाओ से सीखा है। तुम बहुत नादान हो। तो बताओ ज़ेंग, अब तो सच बता दो। मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पर तुम्हें मुझे कोई सुरक्षित जगह ले जाना होगा। जब तक तुम हमें सच बता रहे हो, तुम मरने नहीं वाले। हाँ, हाँ, तो अब शुरुआत से सच बताओ। मिस्टर क्वी, तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। मैनेजर जैंग, आपने मुझे कहा था मिस्टर क्यू को मिलने के लिए। मिस्टर क्यू, कृपया मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, मैं उसे घर ले जाना चाहता हूँ। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। ठीक है, ठीक है। मेरा आज का दिन अच्छा जा रहा है। तुम परेशान मत हो। ये रखो। मिस्टर क्यू, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी बीवी को घर ले जाने दीजिए। मेरी एक बच्ची है, उसे माँ की जरूरत है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, बीवी चाहिए। हाँ हाँ। अरे वाह, मारो इसे। हाँ, हरा दो इसे, फिर अपनी बीवी को घर ले जा सकते हो। तब लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं भेदभाव करता हूँ, और मेरी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचेगी। मारो उसे। मैनेजर ज़ेंग, मिस्टर क्यू, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ये सब हुआ क्योंकि मैं नालायक और दरिद्र हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मारो मुझे, मारो, मारो मुझे। अब मैं से कोई नहीं जाएगा अगर तुमने ये नहीं किया तो। मैनेजर ज़ेंग, मारो मुझे। मैनेजर ज़ेंग, नहीं, मुझे मार, मुझे मारो, नहीं मारो, मुझे मारो। मिस्टर क्यू, मुझे किसी को नहीं मारना है, मुझे मेरी बीवी चाहिए। अच्छी बात है। मैनेजर ज़ेंग। हाँ हाँ जी। तुम इसे मारो। क्यों, तुम्हें पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं मारता हूँ। मारो। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। तुम्हें मिस्टर क्यू के पैसे चाहिए, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं है, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो जाओ। शुक्रिया मिस्टर क्वी, शुक्रिया मिस्टर क्वी, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मिस्टर क्वी, अब सब कुछ बहुत हो गया। अगर आज आपने मेरी बीवी नहीं लौटाई तो मैं यामिन में बता दूंगा कि तुमने मेरी बीवी को अगवा किया है। क्या कहा तुमने? मैं यामिन में बता दूंगा कि तुमने मेरी बीवी को अगवा किया है।
तुम बताओगे? बताओ यामिन में बताओगे? बताओ बताओ यामिन में। गुरुजी, उन्होंने उसकी लाश को पानी में फेंक दिया, लेकिन अफसोस कि वो लाश मिल गई। फिर सबने उस पर दबाव डाला ताकि ऐसे लगता कि मामला बंद हो चुका है। मैंने उसे बहुत जोर से नहीं मारा है, सच में नहीं मारा है। मैंने उसे मारने के लिए कहा गया था। क्यों योंग के दिल में कानून के लिए कोई इज्जत नहीं है? वो हमें कुछ नहीं समझता। तो अब मुझे बताओ कि वो औरत को अगवा करके उसे वैश्याले में कैसे डाला? क्या ये सब तुमने की के लिए किया था? बताओ जल्दी। तो मैं बताता हूँ आपको। औरतें जो अच्छी दिखती थी उन्हें अगवा करके जबरदस्ती धोखा देके या चापलूसी करके बेच देते थे। हम उन्हें कई जगह पर बेच देते थे। हाल ही में उन्हें मिंगे में बेचा गया था। क्या तुम्हारे पास हिसाब है जो काम तुमने की के लिए किए थे? हाँ। मैंने उन सभी के बारे में एक किताब में लिखा है। कहाँ है वो किताब? मेरी दुकान में है, काउंटर के नीचे, फ्लैगस्टोन्स के नीचे। सुनो, हाँ, ये किताब जल्दी ले आओ। हाँ। अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो मैं... नहीं, 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 मिस्टर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। इसे ले जाओ, चल, चल। मिस्टर ज़ैन, आपको मेरा बचाव करना होगा। तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन सजा जरूर मिलेगी। निकलो। ये देखिए, जो भी उसने कहा वो इस किताब में लिखा हुआ है। अब हमारे पास सबूत और गवाह दोनों हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। मेरी बात सुनो तुम दोनों, मिंग्यू ब्रोथल को बंद करने जाओ, गार्ड ज़ैन को साथ लेकर जाना और हत्यारों को पकड़ो, उसकी योंग को भी जिसने औरतों को वेश्या बनाया। जी। आज तो मेरा मूड बहुत ही अच्छा है। मेरी नई ड्रेस देखी तुमने? बहुत सुंदर है ना? और खाओ और खाओ। साहब साहब, आप यहाँ कैसे? जल्दी पता चलेगा तुम्हें, ढूंढो, चलो। हाँ, नहीं नहीं, वहाँ मत जाइए। साहब, आप जानते नहीं ये जगह किसकी है? अगर इस तरह आकर आप लड़कियों को भगाएंगे तो इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। हटो हटो यहाँ से। हाँ? हट जाओ, हजारो पीछे हटो। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये क्या कर रहे हैं? हटो यहाँ से। नहीं, इधर देखो, ढूंढो। हाँ? पीछे हटो। डरो मत, आओ। ये सब क्या हो रहा है? ये जल्दी आज इधर कैसे आए? इन्हें कैसे पता चला? मिस्टर ज़ैन, इन औरतों को अगवा करके यहाँ लाया गया है। साहब, हमारी मदद कीजिए। मैं डोंगमिंग के ज़ू गांव से हूँ। मुझे बाजार से उठाकर यहाँ लेकर आए और यहाँ बेच दिया। दया दिखाइए साहब, हमारी मदद कीजिए। हमें छुड़ाइए। इसको ले जाओ यहाँ से। जाओ। सुनो, उस तरफ। चलो चलो पीते हैं। चलो वहाँ से और लीजिए और लीजिए। क्या आपको दूँ? ये बहुत स्वादिष्ट है। अरे क्यों शर्मा रहे हो? यो भी मजा आने वाला है। मिस्टर क्यू, अगर आप अधिकारी बन गए तो हमें भूल मत जाना। चिंता मत करो, जब मैं अधिकारी बनूंगा हम सब उसका फायदा उठाएंगे।
यो, सही कहा ना? शुक्रिया मिस्टर क्वीन, शुक्रिया। ये महल काफी भरा हुआ लग रहा है। ये बहुत अच्छा है, जितना भरा हुआ लग रहा है उतना ही ज्यादा काम। हमें काफी इनाम मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा। वो लोग आ गए। कियोंग को पकड़ो। अरे हा? क्या, हा? हा? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आखिर? हाँ, ये लोग क्यों आ गए? गुरुजी, सिपाही अंदर आ गए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या कहा? अब हम क्या करेंगे? गुरुजी, चलिए यहाँ से। इधर 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 उधर जाओ। क्यों? बहुत देर हो चुकी, चुपचाप हवाले हो जाओ। डोंगफी, रोको इन्हें। रुक जाओ। चल। अरे हटो, उन्हें रास्ता दो। ये कहाँ जा रहे हैं? चलो। ये यहाँ कैसे? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। चलो। अरे हट जाओ। अरे संभाल के। अरे क्या पागल लोग हैं? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो? बचो। आओ। अरे बेवकूफ, तुम सिर्फ मेरे पीछे पड़े हो, पीछे हट जाओ। क्या तुम यहाँ से निकल रहे हो? मेरी मदद कीजिए। क्यों? तुम्हें खूनी हो जो औरतों को जबरदस्ती से वैश्याले के धंधे में घुसाता है, जो लोगों को जख्मी करके उन्हें कुत्ते की मौत मारता है। ये सारे सबूत है हमारे पास। मियाओ, पकड़ो मुझे। क्या तुम पकड़ सकते हो? शाही बिल्ली ज़ंजाओ, तुम केवल एक जिद्दी बिल्ली हो। पकड़ो इसे। आओ,
मदद कर रहे हो? योंग यू, जिन्होंने तुम्हारा कत्ल किया उन्हें झैन ने पकड़ लिया है। कल उन सबको फांसी की सजा दी जाएगी। तुम्हें शांति मिले। जायुन, प्रणाम करो।